हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में हम डैमेज गुड की एंट्री कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमने किसी अपने क्लाइंट को, यानी कि अगर हमने किसी को सामान बेचा है और वो डैमेज निकला है और वो वारंटी में है, तो वो जो गुड्स है वो हमारे पास वापिस आ जाते हैं। लेकिन वो डैमेज गुड्स है तो हम उसको फिर से सेल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं कि सेल्स रिटर्न आया है, तो हमारा इन्वेंटरी बढ़ जाता है। तो उस केस में ऐसा होता है कि हमारा वो खराब वाला जो सामान है वो भी हमारे इन्वेंटरी में काउंट हो जाता है, लेकिन हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खराब है, रिप्लेसमेंट है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे जिससे हमारा जो इन्वेंटरी है, यानी कि स्टॉक आइटम है, वो इंक्रीज भी ना हो और हमारा जो डैमेज गुड्स होता है वो अलग से पड़ा रहे और हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी इन्वेंटरी में भी काउंट ना हो। तो आज की इस वीडियो हम इस पर्पज से बना रहे हैं क्योंकि हमारे एक यूजर ने कमेंट किया था कि वारंटी में अगर हमारा रिप्लेसमेंट आया हो तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि वो सामान जो है वो खराब आ गया है। तो वैसे तो देखा जाए तो हम क्रेडिट नोट की जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही करनी होती है, सामान रिप्लेस आया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से एंट्री करेंगे तो आपका इन्वेंटरी बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम डैमेज गुड की एंट्री कैसे करेंगे जिससे आपका जो इन्वेंटरी हो उससे भी वो डैमेज गुड जो है वो अलग दिखे, यानी कि वो साइड में पड़ा रहे, क्योंकि हम उसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में हमारा अभी टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है, तो अभी तक आपने हमारा टेली प्राइम का कोर्स नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में जाके आप टेली प्राइम का कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेली में आ गई हूँ, तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ पर कोई भी एंट्री अभी के लिए नहीं है, मैंने परचेस और सेल्स की एंट्री नहीं करी है। तो मैं आपको सामने ही सब दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वाउचर में आके गुड्स को परचेस करेंगे, क्योंकि हम परचेस करेंगे तो ही हम उसको सेल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तभी गुड्स आएंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको परचेस की एंट्री करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा अगर स्टॉक होगा तो हम उसको सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सप्लायर, इनवॉइस नंबर और जो भी नीड वाली डिटेल है मैं उसको फिल करके यहाँ पर परचेस की एंट्री कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर गीगाबाइट जो है उसको 15 क्वांटिटी परचेस कर रही हूँ और उसका जो रेट है वो 5000 रुपीज़ है और उसको मैं यहाँ पर CGST और SGST लगाकर सेव कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 15 गीगाबाइट परचेस की है। अब मैं सेल करने वाली हूँ बिफोर यू कंपनी को, तो बिफोर यू कंपनी को मैं यहाँ पर गीगाबाइट में 12 पीस यहाँ पर सेल कर रही हूँ, जिसका रेट मैं यहाँ पर 6000 लगा के सेल कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर मैं टैक्स भी लगा दूंगी। तो अब आप यहाँ पर स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 पीस मैंने परचेस किए थे और 12 पीस मैंने सेल किए हैं, तो मेरा 3 पीस अभी क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन किसी कारण से बिफोर यू कंपनी ने ये जो 2 गीगाबाइट है वो वापिस कर दी है, क्योंकि वो हमारा खराब निकला है, डैमेज निकला है। तो अगर ये जो हमारा मदरबोर्ड है, ये जो हमारा गीगाबाइट है, तो वो मैंने यहाँ पर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करी है, यानी कि वो सेल्स रिटर्न है, तो वो हमारा क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2 है तो वो और प्लस हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा जो मदरबोर्ड है, ये जो हमारा गीगाबाइट है, वो हमारा डैमेज है तो हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमको इसको स्टॉक में इफेक्ट नहीं दिखानी है, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। तो अगर हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एंट्री करके ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्टर F6 प्रेस कर देती हूँ और मैं बिफोर यू कंप्यूटर को क्रेडिट नोट इश्यू कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि
क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो दो क्वांटिटी 6000 के रेट से वापिस आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5 हो गया है, लेकिन हमारी ये जो 2 GB है वो यहाँ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये डैमेज है और हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमारे स्टॉक में ये पड़ा होगा तो हम इसको सेल, हमको ऐसा लगेगा कि हमारे पास 5 पीस पड़े हैं तो हमको यहाँ पर इसको सेल करना होगा और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। तो इस कारण सर हम ऐसी एंट्री करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे कंपनी में एक पॉलिसी है कि हम अगर सामान जो है वो वारंटी में है और डैमेज है तो ही हम उसको वापस लेंगे, ऐसे ही हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट सेल करी है तो उसका हमारा टेली में ही एक कन्फिगर आता है, सेटिंग आता है, तो उससे हम इस तरीके से एंट्री करेंगे तो हमारा जो क्रेडिट नोट में हमारा जो 2 क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी तो दिखेगा लेकिन हमारे उस स्टॉक का आइटम में प्लस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्टर वाले ऑप्शन में आके स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर गीगाबाइट हमारा प्रोडक्ट है तो मैं गीगाबाइट को अल्टर करूँगी। तो हमको यहाँ पर F12 करना है और आपको एंड में एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, तो यहाँ पर नो है तो हम इसको यस कर देंगे। तो आप जैसे ही इसको यस करेंगे तो आपको इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल डिटेल का जिसमें लिखा है प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन, तो ये हमारा नो है तो हम इसको यस कर देंगे। तो अब हमारे सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन खुल रहे हैं, तो उसमें से आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप, यानी कि हमको जो भी हमको सामान जो रिटर्न मिलता है सेल्स रिटर्न वो हमारा पूरा का पूरा स्क्रैप में चला जाए, तो इसको ऑप्शन को नो है तो हम यस करेंगे। तो हमारा जो क्रेडिट नोट वाला एंट्री है तो उसमें हमने जो 2 लिखा है तो वो हमारा स्टॉक समरी में नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर 5 आइटम हमारी दिख रही है, लेकिन अब मैं ये जो क्रेडिट नोट है इसको फिर से ओपन करके एंटर करके सेव कर दूंगी फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 3 का हो गया है जो कि पहले 5 का था, यानी कि ये जो क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन है इसमें आगे माइनस का चिन्ह आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 15 पीस परचेस किए थे जिसमें से मैंने 12 पीस सेल किए थे और 12 पीस सेल किए थे तो हमारा जो टोटल क्लोजिंग बचना चाहिए वो 3 पीस का होना चाहिए, लेकिन ये जो 2 पीस है वो वापस आ गए हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5 का हो गया था, लेकिन ये डैमेज गुड है तो उसको मैंने यहाँ पर सेटिंग करके डैमेज गुड को अलग रख दिया है, यानी वो हमारे स्टॉक में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा 3 पीस का क्लोजिंग आ गया है। तो आप एक इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपकी कंपनी में ये पॉलिसी होनी चाहिए कि डैमेज गुड को ही हम वापस लेते हैं, वो भी वारंटी में हो तब। लेकिन अगर आप नॉर्मल गुड भी ले लेते हैं जो आप फिर से सेल कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से अगर क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे, इश्यू करेंगे यानी कि एंट्री करेंगे, तो उसका जो स्टॉक के इफेक्ट है वो नहीं होगा, यानी कि आपका स्टॉक जो है वो उतना का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो उस केस में आपका क्रेडिट नोट से एंट्री जो होगा वो बढ़ना चाहिए क्योंकि वो सामान जो है वो नॉर्मल ही सामान है। तो ये एक ट्रिक थी जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपना जो स्टॉक इफेक्ट है वो आप कर सकते हैं कि आपका स्टॉक में इफेक्ट नहीं होनी चाहिए डैमेज गुड्स की। तो अब हम यहाँ पर मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको क्या करना रहेगा कि आप एक अलग से गोडाउन क्रिएट कर देंगे डैमेज गुड्स का, जिसमें आपका जो अगर क्रेडिट नोट वाला जो आता है
सामान जो डैमेज वाला है तो वो डायरेक्ट आपको उस गोडाउन में रखना है, तो भी आपकी इन्वेंटरी में वो इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर वाउचर में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक परचेस की एंट्री कर देती हूँ आईफोन के लिए, डेमो के लिए। हम यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें मैंने कोई भी अल्टरेशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर आईफोन परचेस कर रही हूँ 5, जिसका रेट मैं 150,000 रख देती हूँ। और मैं यहाँ पर टैक्स भी लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 5 आईफोन परचेस किए हैं। अब मैं इसको सेल भी कर देती हूँ फटोफट से। तो यहाँ पर मैं सेल वाले में आ गई हूँ, तो मैं बिफोर ये कंपनी को ही सेल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आईफोन 4 पीस सेल कर रही हूँ 1,60,000 रुपये में। अब मैं यहाँ पर फिर से आपको स्टॉक समरी में आईफोन का दिखा देती हूँ। तो मैंने 5 पीस यहाँ पर परचेस किए थे और 4 पीस यहाँ पर सेल किए हैं, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1 है। लेकिन यहाँ पर जब मैं क्रेडिट नोट की एंट्री करूँगी तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आईफोन के लिए वो वाला जो फीचर है वो अनेबल नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अल्ट्रा F6 प्रेस करके क्रेडिट नोट कर दूँगी बिफोर यू कंपनी के लिए। हमारा जो 2 आईफोन है वो डैमेज है, तो उसका मैं सेल्स एंट्री कर दूंगी। तो आईफोन इसका 2 क्वांटिटी कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको टैक्स भी लगाना है, क्योंकि आपने सेल करते टाइम टैक्स लगाया था, तो आपको सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पीस हमने परचेस किए थे और 4 पीस सेल किए थे, जिसमें 2 डैमेज थे, तो क्रेडिट नोट हमको मिला है 2 का। तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग है वो 3 हो गया है, जो कि पहले हमारा 1 का था, लेकिन 2 आइटम हमारे वापस आ गए हैं, तो ये हमारा ऐड हो गया है। लेकिन हम इसको 2 पीस हमारे जो क्रेडिट नोट के है वो अलग रखने हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको गोडाउन का ऑप्शन एक यस करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक गोडाउन क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आपके अल्टर पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर लोकेशन में जाएंगे। हमने एक गोडाउन पे भी सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में एक गोडाउन का वीडियो होगा। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट कर देंगे डैमेज गुड्स नाम करके, मैं यहाँ पर एक गोडाउन क्रिएट कर देती हूँ। तो अब हम ये जो क्रेडिट नोट की एंट्री है हमारी, मैं यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम स्टॉक समरी में आईफोन में दिखा देती हूँ। तो ये हमको जो क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, तो इसका हम गोडाउन जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मेन लोकेशन मेरा आइटम लोकेशन में आ गया है, तो मैं इसको डैमेज गुड वाला जो है उसमें गोडाउन में रख देती हूँ 2 पीस। तो अभी भी हमारा यहाँ पर 2 पीस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक समरी में आना है, आईफोन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गोडाउन वाला जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसमें अल्टर कर रही हूँ कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल। तो यहाँ पर मैं इसको यस कर देती हूँ, यानी कि हमारा जो ये डैमेज गोडाउन है वो थर्ड पार्टी के पास हमारा सामान पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यूज फॉर थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस है। यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, इसको मैं यस कर देती हूँ और इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर हम स्टॉक समरी में आ गए हैं और मैं यहाँ पर आईफोन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉक समरी में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पर आईफोन का आपको दिखा देती हूँ जो हमने डैमेज गोडाउन में ट्रांसफर किया है उसका। तो यहाँ पर आपको ये 3 एंट्री सारी की सारी दिख रही है और 3 हमारा स्टॉक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बेसिक वैल्यू का साइड में, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है और यहाँ पर बेसिक वैल्यू ऑप्शन में आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा अवर स्टॉक विथ अस एंड थर्ड पार्टी,
यानी कि ये जो हमारा स्टॉक दिख रहा है वो हमारा और साथ में थर्ड पार्टी का भी दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक एंटर करेंगे और हमको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है अवर स्टॉक विथ अस का, तो इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक ही पीस यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारा दो पीस हमारा डैमेज था वो डैमेज गोडाउन में ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आपको ऐसा करके खुद का जो लोकेशन वाइज है आप वैसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना होगा। तो अब हम यहाँ पर वाउचर में सबसे पहले जाएंगे और फिर हम यहाँ पर कंट्रोल F7 प्रेस करेंगे कि तो फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन आ जाता है। तो हमको यहाँ पर फिजिकल स्टॉक की हर बार एंट्री कर देनी है कि हमारे पास कितने आइटम पड़े हैं। तो यहाँ पर आईफोन हमारा 3 नंबर दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा एक ही नंबर होना चाहिए देखने जाए तो, क्योंकि हमारे पास एक ही है और दो पीस हमारे डैमेज है। तो हमको यहाँ पर आईफोन सिलेक्ट करना है और लोकेशन सिलेक्ट कर देनी है मेन लोकेशन, और क्वांटिटी यहाँ पर आपको एक ही कर देनी है और कंट्रोल ले करके सेव कर लेना है। तो फिजिकल स्टॉक भी आपको हर बार अगर क्रेडिट नोट आप देते हैं तो आपको फिजिकल स्टॉक की यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ताकि आपकी स्टॉक समरी में यहाँ पर एक ही पीस दिखे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप जब यहाँ पर सेल की एंट्री करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके पास असल में आईफोन के कितनी क्वांटिटी पड़ी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेन लोकेशन में मेरा एक ही क्वांटिटी दिखा रहा है और डैमेज गुड्स की दो क्वांटिटी है गुड्स की, तो मेन लोकेशन में एक ही है। तो आपको एंट्री करते टाइम यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा कि आपके गोडाउन में एक ही जो है वो माल पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए पता लग गया होगा कि आपको कैसे डैमेज गुड की एंट्री करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि हमको भी मालूम रहता है कि आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया कि नहीं, और हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारा जो टेलीप्राइम का जो रिलेटेड वीडियो होंगी वो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ में आपको टेलीप्राइम का कोर्स करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।